नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। छत्रपति शिवाजी महाराज पर टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के विरोध में अब शिंदे गुट भी शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने मंगलवार को बीजेपी से राज्यपाल को हटाने की मांग कर दी। गायकवाड़ ने कहा कि राज्यपाल को इतिहास की जानकारी ही नहीं है, उन्हें राज्य से बाहर भेज देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट की नाराजगी के बाद बीजेपी भी क्राइसिस मैनेजमेंट में जुट गई है। शाम करीब 4:30 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर अपना बयान पोस्ट किया। आपको बता दें कि वीडियो में वह एक कार्यक्रम में बोलते दिख रहे हैं। गडकरी ने कहा कि शिवाजी महाराज हमारे भगवान हैं, हम उनका माता पिता से भी ज्यादा आदर करते हैं। हम उनको गवर्नर मानने को ही तैयार नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी के विनम्र सेवक है, प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के। जो गवर्नर होता है, जो राज्यपाल होता है, वो बहुत ही तटस्थता और निष्पक्ष होता है। वो हिंदुस्तान का संविधान का ध्यान रखता है और निर्णय देता है, और बोलने में और आचरण में उनका एक प्रतिष्ठा रहे। लेकिन जिस तरह से हमारे गवर्नर साहब ने 1 साल या 2 साल में इस प्रकार की वक्तव्य किए, तो महाराष्ट्र की जनता कुछ नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर कुछ भी बोलेंगे, महात्मा फुले के ऊपर बोलेंगे, सावित्रीबाई फुले के ऊपर अपॉइंटमेंट्स करेंगे। ये क्या महाराष्ट्र को अपने तमाशा बना, खेल बना के रखा है क्या कोई? हाँ, तो लोगों में गुस्सा आप देख, कभी भी राज्यपाल के खिलाफ इतना गुस्सा किसी राज्य में नहीं हुआ। लोग उनको जूते मार रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो राज्यपाल पद की गरिमा खत्म हो गई है महाराष्ट्र में, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने राजभवन का अपना पार्टी का मुख्यालय बना लिया, ये कारण है उसका। एनसीपी के एमएलए हैं महेश तापासे, वो भी पति को चिट्ठी लिखने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि गवर्नर को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। नहीं तो हमारी भावना नहीं है जी। सरकार में जो बहुत से मंत्री और एमएलए है, उनका भी राज्यपाल के बारे में यही भावना है, लेकिन वो खुलकर नहीं बोल रहे, यही भावना है। तो सर, दिल्ली में सत्येंद्र जैन जो जेल मंत्री हैं, वो जो मसाज करते हुए दिख रहे हैं, मुझे मालूम। लेकिन सर, जो मसाज करने वाले हैं, वो जेल अथॉरिटी कह रहा है कि वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, बल्कि वो रेपिस्ट है। रेप के मामले में, पॉस्को एक्ट के मामले में जेल में बंद रहे, उसको मसाज करा रहे। मुझे मालूम नहीं, आप ये सवाल मुझे क्यों पूछे, मैंने कुछ देखा नहीं। मैं भी बहुत दिन तक जेल में रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं। मैं इस प्रकार की बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज पर टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के विरोध में अब शिंदे गुट भी शामिल हो गया है। हालांकि इस पर कांग्रेस और शिवसेना ने भी विरोध जताया है। आपको बता दें कि राज्यपाल पहले भी महाराष्ट्र को लेकर इस तरह के बयान दे चुके हैं। इस समय पहले उन्होंने कहा था कि गुजरात और राजस्थानी कारोबारियों के चलते महाराष्ट्र में पैसा आया है। उन्होंने कहा था कि अगर मुंबई में गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाए तो शहर के पास ना तो पैसा बचेंगे और ना आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। हालांकि उन्होंने इस पर माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन अब दूसरी बार जो बयान दिया है उस पर काफ़ी राजनीति गरमाई हुई है। आपको बता दें कि शिंदे गुट की नाराजगी के बाद बीजेपी भी क्राइसिस मैनेजमेंट में जुट गई है। शाम करीब 4:30 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर अपना बयान पोस्ट किया। वीडियो में वह एक कार्यक्रम में बोलते दिख रहे हैं कि गडकरी ने कहा, शिवाजी महाराज हमारे भगवान हैं, हम उनका माता पिता से भी ज्यादा आदर करते हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी बीजेपी से जुड़ गए हैं, साथ ही आनंद त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं, साथ ही संजना गाढ़ी प्रवक्ता शिवसेना जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का एनबी न्यूज पर स्वागत है। सबसे पहले कैप्टन आई सिंह जी, आप ही से सवाल रहेगा, आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? जब देखो तब बयानबाजी हो जाती है, उसका विरोध होता है, कभी माफी मांग लेते हैं तो कभी कुछ और ही। तो आप देख ही रहे हो कि जो पिछली सरकारें थी थी, कोई 1,000 करोड़ प्रॉपर्टी के घोटाले में बंद है। आम जनता के में जो अभी बड़े बड़े बयान दे रहे थे, मैं सुन रहा था उनके, तो जेल काट के आए अभी। इसमें कोई दो राय नहीं, शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं जी, और हम बिल्कुल उनको अपना आदर्श मानते हैं और मानते रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं जी।
मगर उससे पहले ये जो अभी बोल रहे थे उन्हें उन्हें पहले अपने गृहवान में झांक के देख लेना चाहिए कि आप एक जिस पद पे वो बैठे हुए हैं वो एक सरकारी पद है और सम्मानी पद है जी। तो उनके लिए जिस तरह से उन्होंने शब्द यूज किए बहुत ही वो शर्मनाक, ऐसे शब्द यूज नहीं करना चाहिए जी। और फिर मैं शिवसेना वालों से क्या उम्मीद कर सकता हूँ जिनका चरित्र ही महाराष्ट्र में रहा हो कि उनके आज भी तीन तीन चार चार मंत्री जेल में घोटाले में बंद है, स्वपद की वसूली कराई, किसी ने वहां मर्डर करवाए, किसी ने वहां एक गरीबों की चोलती उसको ही बेच खाया। तो ऐसे लोगों से हम सब भाषा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हमारी पार्टी का और हमारा बिल्कुल स्ट्रेंथ है कि शिवाजी महाराज हमारे आदर के हैं, वो आगे भी रहेंगे, उनका सम्मान हमारे निगाह में कभी कम नहीं हो सकता, हमारी पार्टी की निगाह में कभी कम नहीं हो सकता। ये है तो अब तो क्या उन्होंने कहा है उस बात की जो है ना पार्टी सोच रही है, और फिर पार्टी के नेता उनके पास एक पद है वो किस हिसाब से उन्होंने बोला है तो इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी तो जवाब नहीं दे सकती ना, क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के गवर्नर है, वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है ना पार्टी के कोई पद अधिकारी है जी। अगर पार्टी के किसी नेता ने कहा होता तो बिल्कुल पार्टी उसकी जवाबदेही बनती थी, पार्टी उसके ऊपर जवाब देती, मगर पार्टी का नहीं होता। लेकिन कैप्टन साहब आपने बताया कि वह पार्टी के नेता नहीं है, लेकिन जो आपने सरकार बनाई है गठबंधन की सरकार आपने बनाई है, संजय गायकवाड़ शिवसेना जो सिंधे गुट है उसके विधायक हैं, उन्होंने भी नाराजगी जताई है, इस पर क्या कहेंगे आप? जताई होगी, मैं उसकी नॉलेज नहीं जी, जताई होगी, मैं उसमें कोई एतराज नहीं है जी, उनका अपना व्यू है, अपने अपने व्यू सभी रखते हैं जी जी, पर हमारी पार्टी का जो वो जो व्यू है जी, ये है कि शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं और हमेशा रहेंगे, कभी उनके इस तरह की हम उनको नजरअंदाज या ऐसे कोई भाषा यूज नहीं कर सकते हैं। बाकी जो गवर्नर साहब ने कहा है उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारी पार्टी के नहीं है, पार्टी वो एक सरकारी पद पे है और एक प्रांत के गवर्नर है जी। तो गवर्नर की जवाबदेही वो उन्हीं वो अगर बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा जी, क्योंकि तो गवर्नर की बात नहीं कह सकते। हाँ, आज हमारे किसी मंत्री ने महाराष्ट्र में कहा होता जी, या हमारे किसी संगठन के नेता ने कहा होता तो बिल्कुल हमारी जवाबदेही बन जाती थी, हम उसका जवाब बिल्कुल देते, पूरी सरकार भी जवाब देती जी। पर गवर्नर एक सम्मानी पद है और जो राष्ट्रपति के अनुयायी होते हैं जी, तो इसका जवाब या तो महामहिम राष्ट्रपति जी दे सकते हैं या खुद गवर्नर साहब दे सकते। कैप्टन साहब, उन्होंने कहा है जी जी, उन्होंने कहा है तो किस विषय पे लेके कहा है और क्या कहा है जी, हमें तो अभी ये भी जानकारी नहीं कि उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि मैंने खुद ने नहीं सुना है जी, जब तक मैं सुनूंगा नहीं तो उस बात को मैं मान नहीं सकता जी, जी। बाकी जो अभी मैंने सुना जिस तरह से शिवसेना और उद्धव के नेता बोल रहे थे जो अभी घोटाले में जेल से निकल के आए, वो बिल्कुल ही अनमर्यादित शब्द थे। चलिए कैप्टन साहब, गवर्नर के लिए रोकना चाहेंगे आपको, शिवसेना से संजना गाढ़ी से जुड़ी हुई, संजना जी आपको आवाज मिल पा रही है? आ रही है। संजना जी, बीजेपी से हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि उनके बयान से बीजेपी का कोई भी लेना देना नहीं है, कैसे देखती इसको आप? ये तो देखिए आप कि उन्होंने जो कहा वो मैंने अभी सुना जी, कि राज्यपाल पद एक संविधानिक पद है जी, तो मुझे उनको याद दिलाना है कि राज्यपाल जी जिस तरह से महाराष्ट्र में जिस तरह से उनका बर्ताव है, जैसे 12 आमदारों को जब चुनाव करना था उनको नियुक्त करना था जी, तब उनको 2.5 साल वक्त नहीं मिला क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार ने दी हुई वो याली थी, लेकिन जब अजीत दादा पवार और देवेंद्र फडणवीस जी सरकार उनकी सरकार मिली जुली सरकार स्थापन करनी थी 80 घंटों की, तब तो सुबह 5 बजे 4 बजे 3 बजे ऑफिस खुल गया और 5 बजे शपथ विधि हो गया जी, तो ये कौन से पार्टी का एजेंडा राज्यपाल जी कम निभा रहे थे? आज पंतप्रधान महोदय मोदी जी तो मोदी जी प्रचार के लिए जाते, सभी सभा के लिए जाते, तब पंतप्रधान संविधानिक पद है ऐसे बोल सकते हैं आप यहाँ पे? तो जो फायदे का है उस वक्त फायदे का, और जब अभी राज्यपाल जी जब बोल रहे हैं तो उनके जो बर्ताव है उनका जो बोलना है उससे आप पल्ला नहीं झाड़ सकते, इसके ऊपर बीजेपी को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी होगी। देखिए जब ही से राज्यपाल महाराष्ट्र में आए हुए हैं
हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि महाराष्ट्र के हमारे दैवत है, आराध्य दैवत है, उनके बारे में गलत सलत बातें करना, हमारी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, इनके बारे में बहुत ही गलत वक्तव्य करना, हमारे महाराष्ट्र के मराठी लोग कामचोर है और गुजराती और मारवाड़ी ही सिर्फ महाराष्ट्र चला रहे हैं, तो ये सारे विधान है कहीं पे जाति में भेदभाव निर्माण करना जो कि महाराष्ट्र में कभी नहीं हुआ, और महाराष्ट्र के लोगों का, जनता का, उनके दैवत का, वहां के समाज सुधारकों का अपमान करना, और अभी जो उन्होंने कहा है ये बहुत ही बेतुकी बात है जो कि महामहिम राज्यपाल के पद को शोभा नहीं देती। जिस तरह से उन्होंने ये बात की हुई है कि शिवाजी महाराज जी का आदर्श लेके महाराष्ट्र की मिट्टी से हर बच्चा जब से जन्मता है वो शिवाजी महाराज जी का आदर्श लेके बड़ा होता है जी। उनके आदर्श से ही हमारी राजनीति लोग यहाँ पे बड़े होते हैं, तो इस तरह से कुछ नया रुझान डालना जो कि संघ की हमेशा की आदत रही है, तो वही एजेंडा कहीं पे राज्यपाल जी आगे बढ़ा रहे हैं और इसका हम लोग कड़ी इसकी निंदा करते हैं, और जिस तरह से कैप्टन साहब ये बात कर रहे हैं ये भी बहुत गलत बात है और पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है जी। आनंद त्रिपाठी जी आपको आवाज मिल पा रही है? कैप्टन साहब जवाब लेंगे भी आपसे। त्रिपाठी जी, जिस प्रकार से महाराष्ट्र का जो घटनाक्रम रहा, शिवसेना सिंधे गुट के जो विधायक हैं, आपको बता दें कि संजय गायकवाड़ वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं और राज्यपाल को हटाने की मांग कर रहे हैं, इस पूरे घटना चक्र को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, जो राज्यपाल महोदय का जो बयान आया जी, उसके पीछे हम दो चीजें देख सकते हैं। एक तो देख सकते हैं कि राज्यपाल महोदय ने एक सामान्य बुद्धि विवेक का परिचय दिया ये बात कहते हुए जी। इनफैक्ट ये कहा जाए ना समझी भरा बड़ी बात थी जी। जिस तरीके से उन्होंने कहा जी कि अब अगर हमको हीरोज चुनने की बात आए तो आपके पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, डॉक्टर अंबेडकर से लेकर डॉक्टर गडकरी तक जी, शिवाजी तो अब पुराने हो गए। हालांकि ऐसा कहने के पीछे उनका कोई ऐसा आशय नहीं था कि वो शिवाजी के प्रति कोई अश्रद्धा प्रकट कर रहे हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा वो निश्चित तौर पर अश्रद्धात्मक लगता है जी। लोग उसके पीछे के उनके बातों पर क्यों जाएंगे, जो शब्दों से प्रतिध्वनित हो रहा है उस पर उसको लोग बात करेंगे। राज्यपाल का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं जी। और आप जब उस राज्य क्षेत्र से नहीं है, आप बाहर से आते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी और बन जाती है कि उस राज्य में के निवासियों के सेंटिमेंट्स को आप ध्यान रखें। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को लेकर के एक बड़ा सेंटिमेंट्स है और वहां लोग उनको निश्चित तौर पर देव स्थान की तरह मानते हैं कि वो देवत्व की बात करते हैं उनके लिए। ठीक है, वो अपने अंदर से माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन शब्दों में तो व्यक्त करते ही हैं। तो राज्यपाल को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। जिस तरीके से बड़े हल्के अंदाज में उन्होंने कह दिया कि शिवाजी तो अब पुराने हो गए, नए लोगों में ये हीरो है, तो ये बात महाराष्ट्र में चुभ गई लोगों को। हालांकि उद्देश्य मैंने पहले कहा कि कोई अपमान करना नहीं, कतई नहीं है, लेकिन उससे अपमान की एक प्रतिध्वनित निकली जिससे आज महाराष्ट्र में उबाल है। अब बात आती है सिंधे गुट के विधायक की, तो निश्चित मानिए ये राजनीतिक डैमेज कंट्रोल का हिस्सा है, क्योंकि भाजपा और सिंधे की गुट की जो सरकार वहां काम कर रही है उसको अब जो विरोध झेलना पड़ रहा है राज्यपाल के इस कथन की वजह से, तो उसमें वो डैमेज कंट्रोल सिंधे गुट ने अपना दिखाया कि अपने एक विधायक से ये कहलवाया कि उनको यहां से जाना चाहिए, जिससे जनता में वो इस बात को रख सके कि मैं भी इस राज्यपाल के बयान के साथ एग्री नहीं करती है सरकार भी जी। चलिए कैप्टन साहब, संजना गाढ़ी जी की जो बात थी उसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आपसे जवाब लेते हैं। स्वागत है आपका, सीधे कैप्टन साहब का रुख करते हैं। कैप्टन साहब, अभी संजना जी ने कहा था कि जिस बयान से बीजेपी को फायदा होता है वह अपना लेते हैं, अगर कोई बीजेपी को फायदा नहीं होता है तो सहमत नहीं होते हैं उससे, इस बात का जवाब दे दीजिए आप। जी, हमने कोई गलत नहीं कहा है जी, कि राज्यपाल बहुत ही एक मर्यादित सम्मान वाला पद है जी, जिनके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। और जैसे अभी हमारे
पत्रकार महोदय कह रहे थे, बड़े सरल और बड़े तरीके से उन्होंने समझाया कि उन्होंने जो कहा है अपमान नहीं किया है जी। एक भाषा जो बोलने की है वो जरूर थोड़ा, अब वो हम महाराष्ट्र में रह रहे जी। और वो उत्तराखंड के हैं तो भाषा का अंतर जरूर आता है जी जी। बाकी उनका कतई उद्देश्य नहीं रहा है कि उन्होंने अपमान से कहा है, कि वो भी जानते हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी तो कभी शिवाजी महाराज का, क्योंकि हमारे देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे, जिन्होंने जिस तरह से मुगलों को उन्होंने मार के भगाया था जी, हम तो कभी सोच ही नहीं सकते उनके विषय में उनके सम्मान कहीं से कहीं कम। हम तो उनको उन्हीं को अपना आदर्श मान के चलते हैं जी। और मैं अभी जो मैडम कह रही थी जी, मैं इनसे जानना चाहूंगा, इनने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसा कभी नहीं हुआ, तो महाराष्ट्र में ऐसा कभी पहले भी नहीं हुआ है कि औरंगजेब की कब्र पे चद्दर चढ़ाई गई और वहां उद्धव ठाकरे और शिवसेना जाके खड़ी हो गई होती जी। और ना ही विरोध किया था, तो ऐसा भी महाराष्ट्र में नहीं हुआ जब तक बाला साहब ठाकरे रहे। वो एक शेर था, उस शेर के जाते ही शिवसेना ने क्या बना दिया है, क्या वो पार्टी बन चुकी वो दुनिया जानता है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, तो शिवसेना ने महाराष्ट्र को किस तरह से बनाया है, क्या उनकी पार्टी हो गई है, तो ये उनका यही उनका चरित्र उनका दर्शाता है जी। जो साहब कहते थे कि कांग्रेस को इसको हम चिमटी से नहीं छुएंगे, आज उनके साथ एक गलवैया करके घूम रहे जी। जो भगवान के नाम से पार्टी खड़ी हुई थी, आज उस भगवान के ही करके जो इन विदर्भियों के साथ जुड़ गए, जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं, जो हमारे हिंदुस्तान का विरोध करते हैं, जो हमारे क्रांतिकारियों का विरोध करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही आप देखो ना, जिस तरह से सावरकर जी का उन्होंने अपमान किया है राहुल जी ने जी। इसके ऊपर क्यों नहीं बोले? इनको बोलना चाहिए था उद्धव ठाकरे को, एक स्टेटमेंट नहीं आया जी। अगर उस पर इतना कह देते ना, नहीं आया, अगर वो बीजेपी पे जरूर घुमा फिरा के लाएंगे कि आप इनको भारत रत्न कब दे रहे। अरे भाई, हम तो देंगे ही देंगे, हमने प्रणब मुखर्जी को भी दिया है, हमने पटेल साहब को भी दिया है जी। तो ये अच्छे काम हम ही कर सकते हैं, जो विधर्मियों के साथ देश विरोधी ताकतों के साथ मिलके सरकार बनाएंगे उनकी हिम्मत नहीं है जो सच्चाई बोल सके। नहीं, जो जिस तरह यहाँ औरंगजेब की कब्र पे चद्दर चढ़ाई गई थी, ऐसे विधर्मियों को जेल में डालने देना चाहिए था। उद्धव सरकार थी, उद्धव वहां मुख्यमंत्री थे, मगर बोले नहीं थे, चुप रहे थे। आज जब कह रहे हैं कि ऐसा महाराष्ट्र में कभी नहीं है, तो महाराष्ट्र में ऐसा भी नहीं हुआ जी। संजना जी, कैप्टन साहब की बात का जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने सावरकर जी का अपमान किया तब आप कुछ नहीं बोले, अगर उधर से बयान आ जाता है तो सारी चीजें बीजेपी पे डाल दी जाती हैं कि बीजेपी इनको बाहर कर दे। कैप्टन साहब ने साफ तौर पर बोल दिया है, हालांकि अनंत त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि राज्यपाल का जो पद होता है संवैधानिक पद है, वह किसी पार्टी से लेना देना उसका नहीं होता है, फिर भी आप बीजेपी को दोष क्यों देते हैं? जी, राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया सावरकर के बारे में जी, उसकी उद्धव साहब ने उसका समर्थन नहीं किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि सावरकर जी हमेशा हमारे आदर्श रहे और हमेशा हमारे आदर्श रहेंगे। मैं कैप्टन साहब से पूछना चाहूंगी, सुनिए कैप्टन साहब, आप भी उसी राष्ट्रवादी के साथ जाके बैठे थे, 80 घंटों की सरकार आपने चलाई है, चाहे वो आगे नहीं चल सकी वो अलग बात है, लेकिन आप जिस तरह से बात करते हो ना, मैं भी आपको देवेंद्र फडणवीस जी के कई सारे वीडियो दिखा सकती हूँ जिसमें उन्होंने नहीं 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 राष्ट्रवादी के साथ सरकार कभी नहीं, ऐसे बहुत बार कहा हुआ है, और फिर भी आप उनके साथ बैठे थे। यहाँ पे अगर तीन पक्ष हम लोग इकट्ठा आए थे महाविकास आघाड़ी, तो अपना अपना एजेंडा भी हिंदुत्व का एजेंडा शिवसेना लेके चल रही थी और आगे भी चलेगी। सावरकर जी हमारे आदर्श थे, हमने बताया हुआ है। कैप्टन साहब, आपके पार्टी में, मैं आज मालवण में हूँ, सिंधुदुर्ग में, यहाँ के नितेश राणे जी जो आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं, वही उनका ट्वीट है 2015 का कि सावरकर जी ने 4 बार माफी मांगी थी अंग्रेजों की, तो यही नितेश राणे के साथ आज आप गले में गले डाल के बैठ रहे हो, भाजपा के पास लिए हुए हो उनको, तो इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, नितेश राणे इसमें आप कुछ नहीं करेंगे। बीजेपी अभी 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 मुझे बात करने दीजिए। आप व्यक्ति का ट्वीट आज भी वहां पे है, आज भी हजारों लोग पढ़ रहे हैं, तो ये समर्थन कहाँ का आया? उद्धव साहब ने तो समर्थन नहीं किया है। औरंगजेब की मजार पे जब चादर चढ़ाई गई है वहां पे, तभी सुनिए मेरी बात, जब ये
वहाँ पे मजार पे चादर चढ़ाई गई है, ये कई बार चढ़ाई गई है वहाँ पे, यहाँ पे जब बीजेपी का सरकार था तब भी दो बार वहाँ पे वो चादर चढ़ाई गई थी, और अभी जब ये मजार निकली है, अभी ये मजार निकली है तो वो कोर्ट का निर्णय है, विजय होके जिन्होंने कोर्ट पे उसमें ऑर्डर लिया और उसके अगेंस्ट ये निकली गई है, तो ये चीज तो आप बताइए ही मत। आप आज जो बता रहे हैं राज्यपाल जी, क्या उन्होंने जो इससे पहले शिवाजी महाराज जी के लिए बारे में कहा कि स्वामी समर्थ नहीं होते तो शिवाजी महाराज कहाँ पे होते, वहाँ पे स्वामी जी भाई फुले और फुले जी के संबंधों के बारे में, बच्चे थे क्या कर रहे, क्या क्या सिखाना चाहता है संघ परिवार, क्या सिखाना चाहती है भाजपा। आप जैसे बोल रहे हैं राज्य के महामहिम राज्य दूसरे राज्य से दूसरे राज्य संविधान पद का पहला काम होता है, और आज विरोध कर रहे क्योंकि ये शिंदे फडणवीस सरकार ये बात कर रहे ही नहीं, उनको ये शोभा ही नहीं देती है, क्योंकि जिस शिवाजी महाराज जी ने दिल्ली में अपनी ताकत मुगलों के सामने बनाए रखने के लिए दो बार लूटी थी, अपनी महाराष्ट्र की सांपत्तिक स्थिति बढ़ाने के लिए अच्छी करने के लिए सूरत लूटी थी, और यही जो कर रहे चालीस इन्होंने सूरत जाके महाराष्ट्र की असली खर्चाई है, महाराष्ट्र को बेचा है, और उसका उदाहरण हर दिन महाराष्ट्र की जनता के सामने आ रहा है। वेदांता फॉक्सकॉन रहे, मेडिकल डिवाइस पार्क रहे, ऐसे सो प्रकल्प यहाँ से काटते प्रकल्प जो लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट आज महाराष्ट्र में ला सकते थे ये यहाँ से निकाले गए हैं। महाराष्ट्र मुंबई के हब के जो जो बोल रहे वित्तीय केंद्र रहे, आज का प्रमुख कार्यालय रहे, यहाँ कपड़ा मार्केट रहे, यहाँ मार्केट रहे, हर चीज होटल हर रहे, यहाँ का हर चीज के उनका भी जाती है, अन्याय किया जा रहा है, इससे हमें लगता है कि ठीक है संयुक्त महाराष्ट्र होते समय जिन 106 लोगों ने अपना बलिदान दिया था दिल्ली शहरों को खुश करने राज्यपाल या महाराष्ट्र में आके बार बार लगातार कर रहे हैं, और महाराष्ट्र की लोगों की आदर्शों को मन को की भावनाओं को बार बार आगे पहुंचा रहे हैं। चलिए संजना जी जवाब लेते हैं, कैप्टन आई सिंह जी काफी आरोप लगाए हैं संजना जी ने आपके ऊपर, थोड़ा सा जवाब दे दीजिए इनको। झूठ बोल रहा है, आरोप इनके कुछ है ही नहीं जी। इनके तीन मंत्री जेल में बंद हैं, क्या वो गीता रामायण पढ़ के गए थे जेल में, जिस तरह से 100 करोड़ की वसूली कराए, उसका हिरेन का इन्होंने मर्डर कराया था, वो दरोगा के दरोगा को पावर इन्होंने कमिश्नर से ज्यादा दे रखी थी, सस्पेंड दरोगा जिसको बहाल किया उसके बाद पावर कमिश्नर की दे दी, जिससे 100 करोड़ की वसूली हो रही थी, उद्धव ठाकरे सरकार में ही हो रहा था, इनके जो ना गृह मंत्री करवा रहे थे तो उस टाइम तो इनके मुंह नहीं खुले, एक मर्डर करवा दिया, मर्डर करवा के फिर भी नहीं बोले, वो तो एविडेंस ढूंढ के जो है ना एजेंसियां लेके आई, जांच एजेंसियों ने साबित किया, तो ये क्या बात करेंगे, इनका चरित्र इतना गिरा है कांग्रेस के साथ जुड़ने के बाद कि इनका चरित्र बचा ही नहीं जो बाला साहब के साथ हुआ करता था, बाला साहब वाकई में हम आज भी सम्मान कर रहे हैं। संजना जी आपको आवाज आ रही है, संजना जी बोलिए बोलिए जी बोलिए बोलिए। कैप्टन साहब ने कहा है कि कांग्रेस के साथ मिलकर जो आपका चरित्र था, मैं आपको बताना चाहूंगी ये जिस तरह की बात कर रहे हैं घोटाले की, 5008 केसेस ईडी की दर्ज हुई है, और आज तक सिर्फ 8 केसों के ऊपर वहाँ पे दाखिल हो गए उसका रिपोर्ट, 5000 केसेस का कोई पता नहीं है। बीजेपी जहाँ जहाँ पे बीजेपी का सिर्फ प्रदेश राज्य सरकारें नहीं है वहाँ पे सिर्फ दबाव तंत्र का उपयोग करके इस तरह से केसेस बना रही है जिसका कोई फाइनल चीज होता नहीं है। जब नारायण राणे जी के ऊपर किरीट सोमैया ने आरोप किया, ईडी में केसेस दाखिल हुई, नारायण राणे जी चले गए, बीजेपी में सब धुल गया, कृपा शंकर सिंह जी उनके ऊपर आरोप हो गया सब धुल गया, पंकजा मुंडे जी उनके ऊपर घोटाले का आरोप था आंगनवाड़ी का घोटाला, देवेंद्र फडणवीस जी का वो धुल गया, खार जमीन छिड़को का घोटाला था वो धुल गया,
गिरीश महाजन जी है उनके ऊपर दाल गोटा लेकर दूर गया, ये सब सर बूथ के धुल है और जो भी इनके वॉशिंग मशीन में जाते हैं वो भी धुल जाते हैं। इसके वजह से सब गलत लोग आपको विरोधी पक्ष में दिखाई देंगे, धुले है तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या बोलना है। आज संजय राउत जी के ऊपर जो हुआ गया है 102 दिन वो जेल में रहे थे, इसलिए क्या कहा है कि पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि केंद्र सरकार के वजह से केंद्र सरकार के दबाव में स्वायत्त यंत्रों का गैर वापर हो रहा है, मिस यूज हो रहा है, ये खुद कोर्ट में कहा हुआ है जी। तो इसके वजह से इस बारे में ये कहे ही नहीं कि ये अगर 2 घोटाले बताएंगे तो 100 घोटाले सामने हैं और ये किसी चीज के ऊपर निर्णय नहीं आया है सर अभी तक। चलिए जवाब लेंगे कैप्टन साहब से भी, सिन्हा जी जवाब लेंगे अभी। अनंत त्रिपाठी जी आवाज आ रही है आपको? जी त्रिपाठी जी, जिस प्रकार से देखा जाए राजनीति, हम अगर देश की बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो नेता होते हैं प्रवक्ता होते हैं कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिसके बाद राजनीति में उथल पुथल मच जाती है। वही हाल महाराष्ट्र में है, कोश्यारी के बयान देने के बाद अब राजनीति कुछ और ही हो गई है। तो क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति का जो स्तर है वो अलग ही दिशा में जा रहा है? ये बात ठीक है कि राजनीतिक लोगों के जो संवाद का स्तर है वो बहुत गिर रहा है वर्तमान समय में, और उसके साथ साथ एक हर बात को राजनीतिक चश्मे से देखने की एक परंपरा भी बहुत तेजी से चल निकली है पिछले 7-8-10 वर्षों में। उसके पहले और इस तरह की बातें कम होती थी और जो होती भी थी तो उनको बहुत छोटे से दायरे में उसके संदर्भों में देख करके बात खत्म कर दी जाती थी जी। लेकिन वर्तमान में संवाद का जो स्तर है वो गिरा है और उससे सब प्रभावित हुए हैं। दुख की बात यह है कि जो पुराने समय से लोग राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने कभी एक अच्छा समय राजनीति में संवाद का स्तर अच्छा देखा था, उन्होंने सीखा था, वो उसको छोड़ रहे हैं। नए पीढ़ी के लोग तो यही बात देखकर बड़े हो रहे हैं, वो अगर ऐसी बातें करें तो ठीक है। कोश्यारी जी बहुत सीनियर राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, अब वो अपने इनफैक्ट देखा जाए तो राजनीति के अंतिम वर्षों में है, उनके जीवन की जो राजनीतिक यात्रा है वो लगभग अब समाप्ति की तरफ है। बहुत लंबी राजनीति की, उन्होंने आरएसएस के स्वयंसेवक रहे, प्रचारक रहे भाजपा के लिए, उत्तराखंड में बहुत दिनों तक उन्होंने लड़ाई लड़ी उत्तराखंड के निर्माण की, उसके बाद में वो मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन इस तरह के लोग जब इस तरह की बातें कर जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि फिर वो क्या सेट कर रहे हैं अगली पीढ़ी के सामने। मैं फिर वही कह रहा हूं कि अगर कोश्यारी साहब इस बात से बच जाते तो मुझे नहीं लगता कि कोई वो जो बात कहना चाहते थे वो अधूरी रह जाती। अगर वो कह रहे हैं कि नए समय के हीरो बन रहे हैं, नए लोग हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए उन्हें पुराने समय के लोगों से एकदम से का नाम लेने से ये जो एक वितांडव खड़ा हुआ इससे वो बच सकते थे। शिवाजी महाराज जो हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश के लिए एक गर्व का विषय है, स्वाभिमान का विषय है, और ये यूं ही नहीं है, वो अपने कार्यों से है। वो उन्होंने सिखाया गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, ये उन्होंने सिखाया बड़ी बड़ी सेनाओं को, अपने से सेना से 10 गुनी बड़ी सेनाओं को उन्होंने गुरिल्ला युद्ध के जरिए धूल चटा दी। उनकी रणनीति राजनीति जो थी वो अपने आप में बहुत सीमित संसाधनों में उन्होंने दिखाया कि सफलता को किस तरह से आगे ले जाया जा सकता है। तो कोश्यारी साहब को ये बात थोड़ा सा देर के लिए सही अपने मन में स्थान देना चाहिए था उस बात को, वो एकदम से ऐसी प्रतिध्वनित कर गए कि जैसे कि शिवाजी महाराज की बात जो है उसमें उसी तरह के जो वर्तमान में हीरो का नाम वो ले रहे थे वो लोग उसी तरह के हैं। ठीक है, तुलना नहीं सही है, उनकी अपनी एक अपनी स्थिति है, शिवाजी महाराज की स्थिति अपनी है, जिन नए हीरो का वो जिक्र कर रहे थे वो भी समाज में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी स्थिति होती है, तो इस बात के लिए उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। जी कैप्टन साहब, एक आरोप लगता है बीजेपी पर हमेशा की तरह से, जैसे कि अभी संजना जी ने भी लगा दिया कि जो भी नेता होता है आपकी पार्टी में आ जाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, पाक हो जाता है, साफ हो जाता है,
इसके बचाव में आप क्या कहें, क्योंकि कई बार हुआ अभी जैसे कि बताया था कि संजय राउत के ऊपर कई ऐसे केस झूठे लगा दिए गए थे बीजेपी की तरफ से, इस पर आप क्या कहेंगे? बार बार संजय राउत ने जो पात्रा चौल में जो घोटाला किया है वो कोर्ट ने जब उसको देख सही समझा तभी तो इनको जेल में डाला, और अभी भी वो जमानत पे नहीं है, वो सिर्फ मेडिकल बेसिस पे आए हैं जी, मेडिकल बेसिस पे जमानत मिली है जी, जमानत नहीं मिली है, मेडिकल बेस पे जमानत मिली है जी। तो ये तो इनका कहना गलत होगा जी। उसमें आप बताइए फिर इनके नवाब मलिक वो किसमें, वो कौन से झूठे को इसमें जो आज दिन तक उनको जमानत नहीं मिली है। फिर इनका गृह मंत्री था वो भले ही दूसरे गुट के है, दूसरी पार्टी के है, गुट तो इन्हीं का है जी। उनको देख लो आप जी। इनके और अधिकारी इनका पुलिस कमिश्नर उस टाइम का जी। इन्हीं का था ना, और फिर जैसे इन्होंने एक शब्द कहा कि इनके छोड़ इनके जो है ना इन्होंने, तो जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था तो उस टाइम तो शिवसेना के पार्टी के नेता थे, बीजेपी के नहीं थे जी। तो उन्हें तो देना ही था जिस तरह सा स्टेटमेंट देना था, बाद में कांग्रेस में भी रहे हो जी जी। और फिर सबसे बड़ी बात है कि 2.5 साल सरकार शिवसेना की रही है, क्यों कार्रवाई नहीं करी? आपको करना चाहिए, इनके ऊपर कोर्ट में जाना चाहिए था आपको जी। क्यों नहीं बैठे आप, बैठे रहे, आप सत्ता में थे, सत्ता आपके हाथ में थी। महाराष्ट्र में अगर कोई घोटालेबाज है, कोई जिन्होंने गबन किया है, इस तरह के लोग हैं, तो आपके हाथ में सत्ता थी, आपको कोर्ट में जाना चाहिए था, FIR कराना चाहिए था, उनको जेल में डालना चाहिए था। आज जब आपके हाथ में सत्ता नहीं थी तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। समस्या ये नहीं है, समस्या संदीप ये है जी, इन्हें झूठ बोल के अपने छुपाना है। जिस तरह से इनके जो है ना नेता जेल में घोटाले में बंद हुए जी, 2.5 साल में महाराष्ट्र की क्या हालत कर रही थी इन्होंने, आप देखिए इन्हीं के कार्यकाल में साधु संतों को निर्मय मार दिया गया, पुलिस के सामने मारा गया, और वो जो मारने वाले अपराधी थे 2 महीने में उनको छोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि वो अगर नहीं छोड़ते तो कांग्रेस इनको छोड़ देती। तो इन्हें डर तो ये था कि जो कांग्रेस करवा रही थी वो कर रहे थे, और क्या हालत बना के रखी थी महाराष्ट्र की इन्होंने, क्या हालत थी, जहां देखो वहां वसूली चल रही थी, लूट चल रही थी, हत्याएं चल रही थी, आज क्यों नहीं हो रही है? आप बताइए आप क्यों नहीं हो रही है? तो ये पार्टी जो इसका जो चेहरा चरित्र उसी टाइम तक अच्छा था जब तक बाला साहब के बाद इनका चेहरा और चरित्र दोनों ही घिनौने हो चुके हैं। अब ये बीजेपी के लिए क्या बात करेंगे, आज ना पार्टी बची है ना इनका संबल बचा है, संबल भी इनके हाथ से चला जा चुका है जी। अब रह गई तो इनमें एक रह गई बौखलाहट और बीजेपी के ऊपर आरोप झूठे लगाना जी। मगर जनता बहुत पहचानती है, बहुत समझदार है, और महाराष्ट्र की जनता तो बहुत ही समझदार है। मैं अभी गुजरात में हूँ, गुजरात से ही आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मगर मैं बीच में 2 दिन अभी महाराष्ट्र में भी गए थे, बम्बई में भी रुका एक दिन लोनावाला में गए, तो लोगों से मैंने चर्चा करी कि हमने की पहले की सरकार की अब की सरकार में क्या, बोले पहले की सरकार थी, सरकार तो आज है जो आज हम सुरक्षित समझ रहे, उस टाइम तो यही पता नहीं चलता था कि किसको क्या लूट, बोले उस टाइम जमीनें लूटी जा रही थी, जिन्हें जितने कॉरपोरेटर है उनसे वसूली हो रही थी, जितने यहाँ रियल इस्टेट के उनसे वसूली हो रही थी, बोले पहले की सरकार तो ये कर रही थी। तो आज जनता समझदार है, अब ये किसी भी चुनाव में जाएंगे ना इनकी जमानतें जब्त होंगी, जो इन्होंने कारनामे किए हैं उद्धव ठाकरे ने, इसलिए तो इनकी पार्टी चली गई, खत्म हो गई पार्टी, आज कहाँ है पार्टी, कुछ नहीं है, जिनके पास पार्टी का सिंबल ही नहीं बचा, सिंबल ही हाथ से चला गया, उस पर अब क्या है, कुछ भी नहीं, जनता भी छोड़ चुकी है। अब ये एक भ्रम और फैला रहे हैं जो मैं अभी महाराष्ट्र गया तो मुझे पता चला कि नहीं, एकनाथ शिंदे तो फिर वापस आके और एक साथ हो जाएंगे। अब ये लोग एक बूमर फैला रहे हैं, या तो लोग भ्रमित रहे, मगर एकनाथ शिंदे आपके साथ अब कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आपकी कारगुजारियां देख चुके हैं, और फिर सबसे बड़ी बात की उनने अपनी पार्टी बना ली है, जो अपनी पार्टी का गठन कर लेता है और जो प्रदेश का CM बन जाता है वो ऐसी पार्टियों के साथ कभी नहीं जाना चाहेगा जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी हो जी। संजना जी बहुत बड़े आरोप लगा दिए कैप्टन साहब ने आपकी पार्टी के ऊपर, यह भी बता दिया कि जब आपकी सरकार थी तो आप कांग्रेस के तरीके से सरकार चलाते, क्राइम बढ़ रहा था आपकी सरकार में, काफी बड़े आरोप है आपके ऊपर। इनका काम वही है और वही करते जा रहे हैं, कैप्टन साहब प्रवक्ता है बीजेपी के, उनका काम है झूठ बोल, जोर से बोल, बार बार बोल, यही गोबल स्मृति का यूज पूरे भारत में ये कर रहे हैं। और ये जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, गए 2.5 साल में
कोविड के काल में महाराष्ट्र की उत्तम सेवा माननीय उद्धव ठाकरे जी ने महाविकास आघाड़ी सरकार ने की, जिसके वजह से आपके भाजपा की सरकार जहाँ पे उत्तर प्रदेश में जहाँ पे गंगा में वहाँ पे जिस तरह से बॉडियां बहाई गई लोगों की, तो वैसा कोई शव बहाए गए वैसा कोई काम महाराष्ट्र में नहीं हुआ। महाराष्ट्र में जो काम उद्धव साहब ने किया उसको WHO ने सराहा है, पूरे जग के इसमें सराहा गया है वो काम। आप देखोगे कि जिस तरह से बीजेपी ने हमेशा कोशिश की, कहीं पे भूंगा का मुद्दा लाया, कभी कहीं पे हिजाब लाया, कोशिश की हिंदू मुस्लिम के दंगे हो, और वो चीज यहाँ पे महाराष्ट्र में नहीं हुई। 2.5 साल में पूरी शांति और संयम बनाया रखा गया, पूरे कायदे से हर काम हुआ है। आपका काम है इंक्वायरी लगाना और इंक्वायरी आखिर तक जाना। अभी जो उन्होंने कहा संजय राउत जी के बारे में, कितनी गलत बात कर रहे, कोर्ट से बड़े बन गए कैप्टन साहब। कोर्ट ने खुद बताया है कि संजय राउत जी के केस में जो केसेस फ्रेम हुए हैं गुने, वो उनके ऊपर लगाए जाने से जो दूसरे लोग थे उनके ऊपर लगाया जाना जरूरी था, और उनको नहीं छेड़ा गया है क्योंकि वो उद्योगपति है, उद्योगपति किसके साथ जुड़े हुए ये सब जानते हैं। और उसमें संजय राउत जी का नाम जिस तरह से बेबनाव करके डाला गया उसके बारे में कोर्ट ने खुद कहा हुआ है। और कैप्टन साहब, कोर्ट आपसे बड़ा है, लोग ये ज्यादा जानते हैं। और महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे, आप शिवसेना खत्म हो गई आप बात कर रहे हैं, अंधेरी पोर्ट निवडणूक जिसमें आप भारतीय जनता पक्ष या शिंदे गढ़, किसी की हिम्मत नहीं हुई उम्मीदवार खड़ा करने का जी। आप उम्मीदवार खड़ी नहीं कर पाए, इच्छा होते हुए बीजेपी ने तो उम्मीदवार खड़ा किया, उनके पीछे लेना पड़ा। आप जिस नौका को मतदान करना चाहते थे वो भी 10,000 में ब्लॉक रह गई, और हमारी उम्मीदवार जो थी लटके टाई वो गए टाई 65,000 मत थे यूटी में, और अभी 85,000 वोट से वो जीत के आई है। और यही बात हमें विश्वास दिलाती है कि महाराष्ट्र की जनता विश्वासघात गद्दारी सहन नहीं करेगी। और जिस तरह से भाजपा यहाँ पे फूट की राजनीति कर रही है, महाराष्ट्र के साथ गलत व्यवहार कर रही है, उसके ऊपर भी जवाब महाराष्ट्र की जनता देने के लिए तैयार है, और जोर शोर से तैयार है। और ये इसके बारे में मैं और आप यहाँ पे चर्चा करने से अच्छा है चुनाव होने के बाद यही चर्चा यहाँ पे हो। और ये शिवसेना और शिवसैनिकों को पूरा विश्वास है, पूरा महाराष्ट्र उद्धव साहब ठाकरे जी के साथ है और साथ रहेगा। जी जी, चलिए संजना जी वापस आएंगे। त्रिपाठी जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से जो शिवसेना थी बिखराव होने के बाद शिंदे गुट की सरकार बन गई बीजेपी के साथ, उसके बाद से शिवसेना का कहीं ना कहीं जो अस्तित्व था वो काफी कम होता चला गया, और चाहे कांग्रेस की बात करें या शिवसेना की, दोनों पार्टियां काफी कमजोर होती चली गई। क्या अपनी पार्टी का जो वर्चस्व है अपने आप को साबित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, अगर कोई छोटा मोटा बयान आ जाता है तो उस पर कोई ना कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने आ जाती है, विरोध होने लगता है ताकि मीडिया में सामने आ जाए, क्या इसलिए शिवसेना और कांग्रेस की तरफ से विरोध जताया जाता है? नहीं, मैंने कहा ना कि चलन हो गया है अब राजनीति में कि किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाने लगी है। अब संवाद की गंभीरता कमजोर पड़ती चली जा रही है जी। अब वो चाहे किसी भी स्तर पर हो जी। अभी बयानों की चर्चा चल रही है, तो अभी कोश्यारी साहब का ही कुछ दिनों पहले का बयान था जी। कि बंबई को गुजरातियों ने खड़ा किया है अपने अपने उस पे, तो चलिए ठीक है, महाराष्ट्र के में ये बयान शोभनीय नहीं है या बुरा लगने वाली बात हो सकती है, लेकिन बदले में उद्धव ठाकरे ने क्या बयान दिया था वो भूल गई। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में पिछले 2.5 वर्षों में राज्यपाल महोदय ने हर तरह के व्यंजन चख लिए, अब कोल्हापुरी चप्पल है बचा हुआ है। तो क्या ये बयान उचित था? ये कोई बचा नहीं है इस तरह के हल्के बयानों से। जब आप हल्के बयानों के बदले में हल्के बयान देंगे, उससे भी हल्के बयान देंगे, तो फिर आप नैतिक अधिकार खो देते हैं सामने वाले की बुराई बयानों की वो बुराई करने की, मजम्मत करने की। आप पहले अपने स्तर पर तो खड़ा अपने को स्टैंड पर दिखाइए कि आप बड़े, आप किसी पद पर हैं या आप बड़े नेता हैं आप, तो उसको समझिए। बल्कि अपने लोग कर्तव्य ये बनता है नेताओं का कि वो अपने लोगों को इस बात के लिए समझाएं, रोकें कि आप इस तरह की खराब बातों से उद्वेलित मत होइए। अगर किसी ने कहा है
तो उसकी मंशा अगर खराब है तो भी हम उसको खारिज करते हैं। शिवाजी महाराज इतने बड़े आदमी हैं कि कोश्यारी जैसे हजारों लोग उनके बारे में अगर कोई गलत बात कहें, कोश्यारी साहब जैसे हजारों लोग, तो भी शिवाजी महाराज का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। लेकिन ये बात आज के नेता समझने को तैयार नहीं है, वो एक बात को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए फिर वो 4, 6, 8, 10 लोग इकट्ठे होकर के कहीं धरने प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं, फिर टेलीविजन मीडिया उनको दिखाने लगती है। जब टेलीविजन मीडिया का अस्तित्व तो नहीं था सन 2000 से पहले, तो वो अगले दिन समाचार पत्रों में एक छोटी खबर हुआ करती थी इस तरह के बयानों की या विरोध प्रदर्शनों की। अब घंटों की बहस हो रही है, तो उस बहस में से टीवी के बहसों से अपने लोगों को प्रभावित करने की कोशिश होने लगी है नेताओं के जरिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी के हो। उसमें न शिवसेना को अलग किया जा सकता है, न भारतीय जनता पार्टी को अलग किया जा सकता है, न कांग्रेस को अलग किया जा सकता है, वो सभी लोग हैं। अब जहां तक आपकी बात रही कि शिवसेना का जो कि शिंदे गुट के अलग होने के बाद की क्या स्थिति है, तो देखिए निश्चित तौर पर शिवसेना उसी की होगी जिसके साथ ग्रास रूट लेवल का शिवसैनिक खड़ा होगा। अभी शिवसेना के जो प्रवक्ता थी बात कर रही थी, वो जो बात कर रही है अंधेरी के विधानसभा चुनाव की, अंधेरी एक शहरी क्षेत्र है और बहुत दिनों से शिवसेना का उस पर बहुत प्रभाव रहा है। अब जब भी महाराष्ट्र में स्थितियां चुनाव की सामने आएंगी तो देखा जाएगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो उद्धव जी के समर्थन में जाएंगे या शिंदे साहब के समर्थन में जाएंगे, वो तय इस बात से होगा कि ग्रास रूट लेवल का शिवसेना का कार्यकर्ता जो गांव में जो सामान्य गरीब जिसको रोज की राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन जब वो वोट डालने जाता है तो उसके मन में कौन होगा, बाला साहब ठाकरे होंगे या शिंदे होंगे? अगर बाला साहब ठाकरे हैं तो क्या वो उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी मान रहा है? उद्धव ठाकरे के कामों से तो नहीं लगा कि वो बाला साहब ठाकरे जैसा ठसक है उनके अंदर। वो उद्धव ठाकरे कई बार उन्होंने इस तरह की बातें की जिससे ऐसा प्रदर्शित हुआ कि वो क्षमता जो बाला साहब ठाकरे में थी वो शायद उद्धव ठाकरे में नहीं है। इसी का फायदा शिंदे को मिला, नहीं तो बाला साहब के जीवन काल में भी शिवसेना में कई बगावतें हुई, बड़े नेताओं ने की, छगन भुजबल जैसे लोगों ने की, उस वक्त भी लगभग 20 विधायकों को लेकर छगन भुजबल गए थे। अब बड़े नेता थे ओबीसी के, लेकिन वो बाला साहब का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन शिंदे ने बिगाड़ दिया उद्धव ठाकरे को, चलती हुई सरकार गिर गई। उद्धव ठाकरे को पता नहीं था कि उनके उनके पैर के नीचे से जमीन कब खिसक गई, पता नहीं था। तो कैसे माना जाए कि उद्धव ठाकरे असली उत्तराधिकारी हैं बाला साहब ठाकरे के? ये समस्याएं आती हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि अभी भी उद्धव ठाकरे को एकदम से नकारा नहीं जा सकता। ये सही बात है कि शिवसेना का सिंबल हट गया, छीन लिया गया है, जब्त कर लिया गया, फ्रीज कर दिया गया, नया सिंबल दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी देखना यह होगा जब महाराष्ट्र में चुनाव होंगे तो जो ग्रास रूट लेवल का शिव सैनिक है वो किसके साथ खड़ा होता है। अगले चुनाव में वो पता चल जाएगा। अगर उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा होता है तो ये मानने में कोई बुराई नहीं है, और इसमें कि बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है वो उद्धव ठाकरे के पास रहेगी। अगर नहीं खड़ा होता है उद्धव ठाकरे के साथ, वो बट जाता है, वो 60-40 का भी बंटवारा अगर हो जाए तो भी ये माना जाएगा कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे नहीं ले जा पाए। जी संजना जी, जिस प्रकार से अरविंद त्रिपाठी जी ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी ने जो बयान दिया, ऐसे कई कोश्यारी 100 कोश्यारी से ज्यादा अगर बयान दे देते हैं तब भी शिवाजी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उन्होंने बयान दे दिया, इस बयान को अगर आप नजरअंदाज कर देते, और इससे ज्यादा बड़ी समस्या आपके लिए है कि शिवसेना जो उद्धव की शिवसेना है उसको मजबूत करने पर अगर ज्यादा फोकस किया जाए तो कहीं ना कहीं आपको महाराष्ट्र में ज्यादा इसका फायदा मिलेगा, ना कि ऐसे बयानबाजी करके। कैसे देखते इसको आप संजना जी? सर ने जो कहा, जी 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 सर ने जो कहा जी, वो बात बहुत बड़ी है कि यहाँ पे बहुत और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये मुद्दा है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में। 100 बार
क्या एक बार भी अगर कोई ऐसी गलत चीज कह रहा है कोई, तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जनता, शिवसेना और शिवसैनिक ये कभी भी कतई सहन नहीं करेंगे। दूसरी बात, महाराष्ट्र भारतीय जनता पक्ष का ये एजेंडा बन चुका है कि जो लोगों के मुद्दे हैं, जो जनता के करीब मुद्दे हैं, देखिए अभी कैप्टन साहब ने जो बात बताई कि किस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार में क्या हुआ और अभी क्या हो रहा है, मैं उनको पूछना चाहती हूँ, जो वादे 2014 में, जो 2019 में मोदी जी ने कहे थे और किए गए थे, क्या वो पूरे हो रहे हैं? आज जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लोगों को कहा गया था महंगाई अब नहीं सहेंगे महंगाई की मार, आज हम लोग गांव में घूम रहे हैं, गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने उज्ज्वला योजना में अपना नाम तो डाला, लेकिन कोई भी गैस सिलेंडर अपने घर तक नहीं ला सका क्योंकि उनकी इनकी हिम्मत ही नहीं है। 350 वाला गैस सिलेंडर आज 1200 रुपए तक पहुंच गया है। क्या महंगाई कम हुई? बेरोजगारी कम होने का नाम कहीं पे ले नहीं रही है। और आपने कहा था करोड़ों रोजगार मिलेंगे साल में, कहाँ पे है रोजगार? उल्टे महाराष्ट्र के रोजगार लिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में महिला सम्मान की, महिला सुरक्षितता की अगर बात करें तो आज आप देख रहे हैं स्कूल की बच्चियां जिनको रिक्शा की चिंता पड़ रहा है, खुद की जान की बाजी लगानी पड़ रही है, इतना भी कायदे की दहशत यहाँ पे नहीं रही। शक्ति कायदा जिस तरह से आना चाहिए था, इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को मिलकर वो काम आगे बढ़ाना चाहिए था, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में जो उद्योग धंधे आदित्य साहब के काल में आने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बारे में न खुद MIDCI बात कर रही थी, न खुद सभी के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव साहब रहे, अभी के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी रहे, उन्होंने ट्वीट पे खुद बताया है कि ये टाटा एयरबस आ रहा है या वेदांता फॉक्सकॉन आ रहा है, लेकिन आ रहा है और वो कहाँ जा रहा है ये महाराष्ट्र की जनता नहीं देख रही है क्या? ये सिर्फ ये बात है कि कंपनियां नहीं गई, कंपनियां कहीं और गई, सर उसके साथ लाखों रोजगार जा चुके हैं, बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, बच्चों का नसीब देखिए, पुलिस भर्ती है जो कि भर्तियां होनी चाहिए थी यहाँ पे, नौकर भर्तियां उनको भी पोस्टपोन किया जाता है सालों सालों के लिए, और जो बच्चे एज बार हो रहे हैं उनके भविष्य जो कि इतने साल पढ़ाई में डाल देते हैं उनका भविष्य में अंधकार में जा रहा है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आज ये बात कर रहे हैं राजनीतिक नैतिकता की, अब्दुल सत्तार जैसे लोग, गुलाबराव पाटिल जैसे लोग कमर के नीचे की बात कर रहे हैं महिलाओं के बारे में, सांसद पटेल सुप्रिया पवार जी के बारे में, क्या ये बात सही है? इसके ऊपर गृह मंत्री कोई बात नहीं कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो ये कौन सी राजनीति, ये कौन सी संस्कृति राजनीति की महाराष्ट्र में आ रही है, इसको देखना बहुत जरूरी है और इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। और मैं कहना चाहूंगी महाराष्ट्र की जनता ये सब देख रही है, वो भले आज आवाज नहीं कर रही होगी लेकिन वो अपना निर्णय अपने मतदान पेटियों में जरूर डालेगी, और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ, जैसे मैंने अभी कहा ये चर्चा बाद में जरूर रखिएगा, यही कैप्टन साहब हमें चाहिए, क्योंकि चुनाव आज नहीं तो कल आने वाला है, यही नहीं पूरे महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव भी आएगा सर 3 से 4 महीने में, अगर वो आना नहीं होता तो अभी तक मंत्रिमंडल का पूरा विस्तार हो चुका होता, सभी को खाते वाटा सही तरीके से हुआ हो चुका होता, ये इनको ही विश्वास नहीं है क्योंकि ये रह नहीं सकती सरकार पर जिसकी नींव गद्दारी पे रखी गई है, जिसकी नींव कपट नीति पे रखी गई है, जिसकी नींव विश्वासघात पे रखी गई है, वो सरकार आगे चल नहीं पाएगी। इसलिए महाराष्ट्र को अभी 2-3 महीनों में ही विधानसभा के चुनाव का सामना करना पड़ेगा, चाहे महानगर पालिका का बाद ही वो चुनाव लग जाए, और कभी रुझावाने दीजिए, हमें पूरा विश्वास है क्योंकि महाराष्ट्र के सामान्य शिवसैनिक जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी को सुना है, जिनके आदर्शों पे हम चले हैं, वो पूरे विश्वास से बाला साहब ठाकरे जी का दसरा मिलावा की लास्ट सभा में उन्होंने जो निर्णय हमें दिया था उद्धव साहब और आदित्य साहब के साथ चलिए, महाराष्ट्र का विकास करिए और निष्ठा के साथ कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिएगा, और यही उनका जो विचार है वही लेके महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का शिवसैनिक आगे बढ़ेगा, और उद्धव साहब ठाकरे शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे इस पार्टी को वो मशाल चिन्ह रहे, वो धनुष्य बाण चिन्ह रहे, जो चिन्ह हमको मिलेगा कोर्ट से उसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैप्टन साहब, संजना जी ने बताया कि जिस प्रकार से सरकार तो गठबंधन से बना लिया अपने महाराष्ट्र में, लेकिन जो युवाओं के रोजगार की बात करें, विकास की बात करें, जो भी आपकी तरफ से वादे किए गए थे वो जमीन पर नहीं उतर पाए हैं, इसका खामियाजा आपको चुनाव में भुगतना पड़ेगा।
सरकार आई तब से वहाँ रोजगार भी दे रहे हैं और लोगों को धंधा बिजनेस भी करवा रहे हैं, उसके लिए हम लोन भी उपलब्ध करा रहे हैं। मगर ये कार्य इन्होंने ढाई साल की सरकार में क्यों नहीं कर पाया जी? उस टाइम तो ये सिर्फ वसूली में लगे थे जी। बताएं, अभी जैसे इन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती नहीं हुई, ढाई साल में कितनी पुलिस भर्ती करी है बताइए जी? ढाई साल सरकार रही है आपकी, कितनी करी है जी? एक भी नहीं करी है। चलिए आनंद त्रिपाठी जी, आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जिस प्रकार से महाराष्ट्र का जो सियासी पारा है वो काफी चढ़ चुका है, लेकिन इस बीच कैप्टन साहब कुछ बोल रहे हैं क्या? जी जी, कैप्टन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कोरोना काल भी हमने देखा था, कोरोना काल भी हमने देखा है कि महाराष्ट्र में किस तरह से डेड बॉडियों की लाइन लगी थी, शमशान घाटों में किलोमीटर लंबी लाइन लग रही थी, और उद्धव ठाकरे कहीं भी नजर आए हो तो एक फोटो हमें दिखा दिए कि ये लोगों के बीच में गए बचाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, कभी नहीं गए। किसी ने नहीं करी है। झूठ कम बोलो, किसी ने नहीं करी है, झूठ कम बोलो। तो अगर वहां जो कुछ कार्य किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। अरे मैडम बीच में ना बोले, अरे बीच में ना बोले, संदीप मैं बीच में नहीं बोल जी। संजना जी जवाब लेंगे भी आपसे जी जी। किस तरह से जो इन्होंने किया है, अगर केंद्र की सरकार ना होती तो हो सकता है जो जितनी वहां मौतें हुई थी उससे 10 गुना ज्यादा होती जी। जो दिल्ली में हालत थी वो ही महाराष्ट्र में थी, मगर दोनों जगह जाके केंद्र ने संभाला और लोगों को बचाया, क्योंकि हम इन सरकारों के ऊपर अगर आम जनता को छोड़ देते, ये तो लूटने में लगी थी, इनका तो कोई ये जनता से कोई लेना देना ही नहीं था जी। ये तो सिर्फ वसूली में लगे थे, इनके सारे मंत्री सोच रहे थे कितना कमाल है, आम जनता के क्या जरूरतें हैं उससे इनका कोई लेना देना नहीं था। आज बात कर रहे हैं भर्ती आज नहीं हुई, अरे आप क्यों नहीं ढाई साल क्या करते रहे, क्यों नहीं करिए? हम तो करेंगे। और आपने कहा कि सरकार चार महीने नहीं, पूरा कार्यकाल खत्म होने के बाद चुनाव होगा और भारी बहुमत से फिर आएंगे जी। क्योंकि सिद्धांत हमने नहीं बदले हैं, बाला साहब के आदर्शों को हमने नहीं झुटलाया है, हम आज भी बाला साहब के आदर्शों को मान के चल रहे हैं जी। मगर जिसने छोड़ा है उसे दुनिया छोड़ चुकी है, महाराष्ट्र छोड़ चुका है, उनके नेता ही उन्हें छोड़ के जा चुके हैं, सरकार अलग बना चुके हैं। बाला साहब ने ही कहा था कि कांग्रेस को चिमटी से भी नहीं छूना चाहूंगा, जिस दिन मुझे जरूरत पड़ी छूने की उस दिन मैं शिवसेना की अपनी दुकान बंद कर दूंगा। तो उद्धव ठाकरे ने वो ही कार्य करे जो बाला साहब कहते थे हम नहीं करेंगे, तो आप उनके आदर्श तो कहां चले, आदर्श तो आपने चले ही नहीं। मगर हम बाला साहब के आदर्शों पे, क्योंकि पार्टी उनकी अलग रही हमारी रही, मगर हमारा गठबंधन था। चलिए कैप्टन साहब, उनके आदर्शों को रोकना चाहेंगे, कैप्टन साहब को रोकना चाहेंगे, संजना जी से जवाब ले लेते हैं, फिर त्रिपाठी जी के पास जाएंगे। संजना जी जी, कुछ कहना चाह रही थी आप? मैं वही कहना चाह रही हूँ बार बार कि कैप्टन जी जो बात कर रहे हो बार बार गलत बात, तो हमारे दौरा निकल कर वो सही नहीं हो जाती है, आप बहुत ही बेसलेस बात कर रहे हैं। बाला साहब के आदर्शों पर क्या उतर चुके हैं? बाला साहब ने कहा था कि कांग्रेस को चिमटी छूना चाहूंगा, बाला साहब ने कहा था, उद्धव ने क्या उस बात को माना, आप बता दीजिए। संजना जी बोलिए, संजना जी, त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं, आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जिस प्रकार से शिवसेना का जो बिखराव हुआ है महाराष्ट्र में, क्या आने वाले जो चुनाव होंगे इसमें इसका असर कुछ देखने को मिलेगा या जस का तस बने रहेगा, कैसे देखते इसको आप? हाँ, नहीं लगता है कि जैसे कि दरअसल शिवसेना का ये जो बिखराव हुआ है ना जी, वो ऐसा ना सोचे कि वो सिर्फ नेताओं के बीच में हुआ है। जी जी, लगता ऐसा है कि ये बिखराव कार्यकर्ताओं के स्तर तक गया है जी। अब वो कितना असर कारक हो रहा है, कितने परसेंट तक गया है, ये चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन ये निश्चित बात है कि इस बार की जो शिवसेना की स्प्लिट है वो नीचे तक गई है, वो सिर्फ विधायकों सांसदों और नेताओं तक नहीं रही है, वो कार्यकर्ताओं तक भी गई है। और उसके पीछे रीजन है कि जो हार्ड कोर शिव सैनिक था वो बाला साहब के उन सिद्धांतों के आधार पर शिव सैनिक बना था कि जिसमें वो किसी तरह के समझौतों पर विश्वास नहीं करता है जी। और उद्धव साहब ने यही किया कि वो समझौते दर समझौते करते चले गए, उन्होंने अपने स्वाभाविक सहयोगी के साथ समझौते करने की बजाय
अपने स्वाभाविक विरोधियों के साथ समझौता कर लिया। ये सिर्फ सैनिकों को बात खली है, अब वो कितनी ज्यादा खली है ये चुनाव के समय नजर आएगा। जी। अगर ये बहुत ग्रास रूट लेवल तक ये बिखराव गया है तो उसका नुकसान होगा उद्धव ठाकरे को। और अगर सिर्फ सैनिक माफ कर देते हैं, बाला साहब के उस बात को याद करते हैं कि हम उद्धव और आदित्य को आपको सौंपते हैं, तो वो हो सकता है इमोशनल काम कर जाए, वो उनकी वो बात याद रखें, तो वो हो सकता है उद्धव के साथ जाए। लेकिन आज की स्थिति में ऐसा दिखता है कि ये जो स्प्लिट है शिवसेना की वो कार्यकर्ताओं तक गई है। जी, चलिए कैप्टन आई सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। साथ ही संजना गाढ़ी जी, आपने अपना कीमती समय एनबी न्यूज को दिया, आपका भी धन्यवाद। साथ ही आनंद त्रिपाठी जी, आपने अपना कीमती समय एनबी न्यूज को दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की, जिन्होंने शिवाजी को लेकर एक बयान दे दिया है, जिसके विरोध में शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस कई पार्टियां सामने आ रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि सिंधे गुट के जो विधायक हैं संजय गायकवाड़, उन्होंने भी बीजेपी से राज्यपाल को हटाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो उनका राज्य के बाहर भेज देना चाहिए। अब देखना होगा राजनीति में क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है। फिलहाल राष्ट्रधर्म में मेरे साथ इतना ही, बाकी देश विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।